न्यूजीलैंड वालों को पूछा जाएगा भाई कौन आया था, वो कहेंगे भाई वाशिंगटन सुंदर आया था, पूरी टीम को पहल के चला गया। 197 पे भाईजान तीन आउट, फिर 259 पे ऑल टीम आउट भाई वाशिंगटन सुंदर ने, तो आज इनको अपनी सुंदरता दिखा के रख दिया। 7 विकेट वो भी कितने 23.1 ओवर 2.55 की इकोनॉमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। न्यूजीलैंड तो आज बड़ा प्लान करके आई थी, शायद इंडियन बॉलिंग को पकड़ के 400 टारगेट दे देंगे, पर वाशिंगटन सुंदर ने आउट ऑफ सिलेबस आके उनको पिच पे खड़े नहीं होने दिया। यार ये आउट ऑफ सिलेबस ही है, पता नहीं था ना बुमराह की बॉलिंग चली, मैंने कहा यार 200 स्कोर हो गया तो मैक्सिमम 400-500 स्कोर पक्का ही आ जाए। जब 150 स्कोर हुआ, जब अश्विन ने एक विकेट ली, 2-3 विकेट ली, अश्विन ने स्टार्ट में टॉम लेथन की सबसे पहले विकेट ली और अश्विन ने दूसरी विकेट भी ली, मैंने कहा यार अश्विन चल रहा है, बुमराह की बॉलिंग की समझ नहीं है, बुमराह कहां गया। 197 पे भाईजान तीन आउट, फिर 259 पे ऑल टीम आउट भाई वाशिंगटन सुंदर ने, तो आज इनको अपनी सुंदरता दिखा के रख दिया। 7 विकेट वो भी कितने 23.1 ओवर 2.55 की इकोनॉमी से। इन्होंने वाशिंगटन सुंदर की एक दो दिन में तैयारी की, इनको बुमराह ने पड़ जाना है, इनको बुमराह ने, इन्होंने बुमराह की तैयारी की, इनको अश्विन ने पड़ जाना है, जडेजा पड़ जाना है, मतलब ये तैयारी ना करें, मैं कहता हूं छोड़ दें। 4 ओवर मेडन और 59 स्कोर वो, उसके बाद 7 विकेट भाई वाशिंगटन सुंदर ने, तो आज भाई न्यूजीलैंड की टीम को पता किस किस की बड़ी विकेट ली, ग्लेन फिलिप्स की, ओ भाईजान सबसे बड़ी रचन रविंद्रा की विकेट ले ली, टिम साउथी की विकेट ले ली, सबसे बड़ी मेजर 5-7 विकेट है तो सारी डैरिल मिचल की विकेट आपका वाशिंगटन सुंदर ले गया। ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तैयारी ये लोग अश्विन और जडेजा की करके आए थे, पेल इनको सही से पहला ना वाशिंगटन सुंदर ने, वाशिंगटन सुंदर ने 2021 के बाद जो कमबैक किया, ऐसा कमबैक किसी ने भी नहीं किया, पहली इनिंग में 7 विकेट है, अश्विन की तैयारी करके आए थे, जडेजा की तैयारी करके आए थे, बुमराह की तैयारी करके आए थे, पार्ट इनको वाशिंगटन सुंदर की है, वो भी सोचते होंगे यार पहले किसको किसका तैयारी करें, इनका तो पता नहीं चलता कि यार कोई बच्चा खिला देते हैं वो हमें आउट ऑफ सिलेबस पड़ जाता है। पहले 3 विकेट अश्विन ने जिस तरह से ली, या डेविन कॉनवे की, टॉम लेथन की, अश्विन ने बता दिया कि भाई बड़ा बॉलर बड़ी विकेटें ही लेता है, उसके बाद वो 3 विकेट मेजर विकेट थी, टॉम लेथम की, डेविन कॉनवे की, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की और टॉम ब्लंडल की, मतलब यार जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की पार्टनरशिप लगी है ना, मतलब किसी और ने विकेट ही नहीं ली यार। जसप्रीत बुमराह आप इमेजिन करो, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करवा रहे हो, बॉलिंग में विकेट ना आई हो, सिर्फ वो इतने बुरे हालात है पिच के, बुमराह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई जो दूसरा के वाशिंगटन सुंदर ने सबको गुमराह किया ना बुमराह के हिस्से का, यार यकीन है मानो आज जिस तरह आज साउथ आज एशिया 25 साल का लड़का पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भाईजान, इतनी देर के बाद लोंडे ने कमबैक किया, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ और वो भी अपने होम ग्राउंड के अंदर, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच के अंदर, वो भी डिसाइडर मैच के अंदर, के भाई क्या न्यूजीलैंड जीतेगी या इंडिया जीतेगी, इंडिया की स्ट्रीक बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, वहीं आगे फंस गया, वहीं आगे फंस गया ना। अब आप ये देखे आते साथ ही रोहित शर्मा भी आउट हो गया था, ये तो सब बड़ा बहुत बड़ा एक बुरा इंपैक्ट पड़ गया था टीम के ऊपर, लेकिन शुभमन गिल ने भी आके थोड़ी बहुत विकेट संभाल ली थी, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी खड़ा रहा थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप ये देखे ना, अब कल के अंदर मैं आपको बस इतना बता दूँ अगर इस तरह शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी सलामत रही ना, ये पूरा टारगेट भी अकेले ना, ये जितना भी इनको ट्रायल मिला ना इंडिया को, ट्रायल ये चेज करके ऊपर अगर ये 150-200 भी कर जाते ना, अगर कर जाते हैं फिर कहीं जाके न्यूजीलैंड की टीम को कोई 200-300 पे आउट करे, अब 400 स्कोर करना बनता है, 400 नहीं 500 करना बनता है भाई, 500 करना बनता है ये। अब न्यूजीलैंड इतने अब इजीली नहीं हार सकता, खेल पाएगा, बिल्कुल खेल पाएगा, जिस तरह अभी तो जायसवाल खड़े, रोहित शर्मा सिर्फ आउट, रोहित शर्मा का क्या काम होता है ऊपर से 10-15 ओवर खेलना, उसके बाद स्कोर को सेट करना, उसके बाद पीछे काम होता है शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान का, ऋषभ पंत का, जो वो इनिंग को बूस्ट करें और वो 500-450 और उनमें एबिलिटी है, चलो रोहित शर्मा नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन अभी जायसवाल भी खड़ा है, रोहित शर्मा की जगह वो संभाल लेगा, उसके बाद गिल है, विराट कोहली है, सरफराज खान है, पंत है, मतलब ऋषभ पंत, उसके बाद अश्विन, और जितनी लंबी उनकी बैटिंग लाइन है वो, उनमें एबिलिटी होगी कि वो 450 स्कोर बोर्ड पर लगाएं और 200 की लीड दे दें, और दो लीड एंड इनिंग से ही जीत जाएं। इंडिया के पास ये एबिलिटी है कि अगर वो 200 की लीड दे गए तो फिर वाशिंगटन सुंदर ने पड़ जाना है, इन्होंने वाशिंगटन सुंदर की एक दो दिन में तैयारी की, इनको बुमराह ने पड़ जाना है, इनको बुमराह ने, इन्होंने बुमराह की तैयारी की, इनको अश्विन ने पड़ जाना है, जडेजा पड़ जाना है, मतलब ये तैयारी ना करें, मैं कहता हूँ छोड़ दें। मुझे लग रहा था कि 300-400 तक स्कोर को लेके जाएंगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बॉलिंग की काबिले तारीफ है यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आउट ऑफ सिलेबस आके उस बंदे ने कमर तोड़ के रख दी न्यूजीलैंड की, एक सेशन में 7 विकेटें ले गया यार, इवन वो तैयारी करके ऐसे जडेजा की, अश्विन की, कुलदीप को, हमें कहीं ना लग रहा था कि भाई कुलदीप को खिलाया जाए, कुलदीप का बनता, पर कुलदीप की कमी महसूस नहीं होने दी वाशिंगटन, बिल्कुल बिल्कुल किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। आप देख लें जसप्रीत बुमराह का आज बस नहीं चल रहा था, उसके बाद अश्विन जडेजा के बस नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा था कि आज तैयारी करके आए थे कि न्यूजीलैंड वाले इन्हीं को पहलना है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आगे जिस तरीके से तोड़ा है
वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड याद रखेगा नेक्स्ट टाइम। क्या रोहित की कमी फील होगी? रोहित तो आज पहले सेशन में आउट हो गए हैं, जल्दी आउट हो गए हैं, कल के मैच में उसके कमी फील होगी रोहित शर्मा जी? बिल्कुल, कल के दिन भी आज के दिन भी रोहित शर्मा की बहुत कमी महसूस होगी। आप देख लें काफी अरसे से रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं आ रहे, तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में अच्छा खेले और अच्छे अपनी टीम को स्कोर सेट करके दे। ये उनकी बॉलिंग की तैयारी आज मतलब की बात ये थी कि ना एक अपील हुई बतानी एश्विन की बॉल थी या वाशिंगटन सुंदर की थी, सरफराज खान और विराट कोहली रोहित शर्मा के पास ना बच्चों की तरह कहते कि भाई जान ले ले, भाई ले ले, भाई ले ले, भाई ले ले, जरा करके काफी वायरल जा रही है वो क्लिप कि भाई अपील ले ले। सरफराज खान ने हेलमेट पहना हुआ, इतना मोटा मुंह निकाल के कह रहा है ऐसा ऐसा अपील कर रहे कि भाई कर दे, लेकिन वो तो शुक्र है कि रोहित शर्मा ने भाई जान कर दिया और ये डंडा गया था फिर न्यूजीलैंड के अंदर। बिल्कुल अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, शुभमन गिल है, सरफराज खान है, विराट कोहली है, आप देख लें जयसवाल है, यार एक से बढ़ के एक प्लेयर है, तो कैसे कमी? सारे ही रोहित शर्मा पड़े, सारे ही रोहित शर्मा विराट कोहली बने हुए, तो किसकी कमी महसूस होगी? कमी महसूस तब होती है आपकी टीम जब हारती हो, जब आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती हो तब आपको कमी महसूस होती है, लेकिन इंडिया की टीम के अंदर आप देख लें बैटिंग में कोई कमी नहीं है, हर बंदा परफॉर्म कर देता है, नया आए चाहे पुराना आए, नए भी आके ऐसे मारदाड़ करते हैं कि विराट एंड रोहित कमी महसूस ही नहीं होती उनकी बैटिंग, जब वो नहीं करते तो लगता ही नहीं है कि भाई दो आउट ऑफ फॉर्म है उनके प्लेयर्स, बकाये सारे ऐसे ही पर्दा डाल देते हैं कि भाई कभी महसूस ही नहीं होने देते हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं लाइक वो तो आज पढ़ ही नहीं जा रहे थे न्यूजीलैंड से, बिल्कुल न्यूजीलैंड से पढ़ी नहीं जा रहे थे, 2021 के बाद इसने कमबैक किया है वाशिंगटन सुंदर ने। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के ये वन ऑफ द फेवरेट बॉलर हैं, जो कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में भी बात की थी, एसआरएच ने अगर इसको पूरे मैचेस खिला देता तो शायद मैं इसको वर्ल्ड कप के लिए भी लेके जाऊँ, लेकिन एसआरएच ने उसको पूरे मैच नहीं खिलाए, पूरे मैच नहीं खिलाने के बावजूद भी उसने कहा कि भाई मैं इसको सीरीज के अंदर लाऊंगा, अपना वादा पूरा किया और वादे के ऊपर उसके रोहित शर्मा ने जो भरोसा किया था वो भरोसा भी जीता, आज अकेले ही मैच को एंड कर दिया न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड वालों को पूछा जाएगा भाई कौन आया था, वो कहेंगे भाई वाशिंगटन सुंदर आया था, अकेले पूरी टीम को पेल के चला गया। बुमराह बुमराह कहते हैं, हम बुमराह कहते हैं, बुमराह दुनिया का पहला बॉलर है नो डाउट यार, इंडिया के बाद टैलेंट की कमी, अब वो सुंदर का पता ही नहीं था यार, सुंदर कहाँ से आ गया यार, एकदम यार वो कसम से पता ही नहीं था उस बंदे ने कहाँ से ऐड हो गया, वो उन्होंने ऐड तो किया तो आग उस बंदे ने तबाही कर दिया, सात विकेटे भाई, सात विकेटे, मैं कह रहा हूँ भाई पता ही नहीं था, बार बार कर पता नहीं यार, सात चलो एक विकेट ले ली, मैं कहा कोई बात नहीं, दो कोई बात नहीं, तीस वो बंदे ने तो न्यूजीलैंड को तो पिछाड़ के रखा था, न्यूजीलैंड को एक दो वक्त में डाल दिया, वहां से हमारे साजिद खान ने वक्त डाली, यहाँ पे सुंदर ने वक्त डाल दिया, और दोनों ने जो परफॉर्मेंस दिया, आज मैं इनकी बात करूंगा वाशिंगटन सुंदर की, जो बंदे को टेस्ट में कभी खिलाया ही नहीं था उन्होंने, आगे वो आउट ऑफ सिलेबस आके उसने परफॉर्मेंस दे रही है, सात विकेट यार, सात विकेट मैंने अभी तक देखा, कुछ साठ विकेट आप लेकर देखो, अश्विन ने लिया वो फाइव मतलब पांच विकेट ले, सात विकेट एक बंदा ले गया वो भी एक सेशन में, भाई एक सेशन पूरे टेस्ट मैच के अंदर कितनी विकेट, कोई 10-12 विकेट ले लेगा भाई, मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड बनाएगा, ये इसने रिकॉर्ड टेस्ट के अंदर दूसरे जो टेस्ट के अंदर रिकॉर्ड बना लेना, इन्हें परफॉर्मेंस करा है, मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस है ये बंदे, जो ऐड करने का देखिए रोहित शर्मा का दिमाग जो चलता है ना, उस बंदे का दिमाग पढ़ना पड़ेगा, वो बंदे को सुंदर का पता नहीं किस तरह माइंड में आ गया यार, उस बंदे को लाऊंगा शायद ये परफॉर्मेंस, हालांकि रोहित शर्मा के बड़े अच्छे जो स्पिनर है बड़ा लाइक करते हैं उसको स्पिनर, क्योंकि इनको पसंद है स्पिन, आज वो लेके आए उनको देखा यार शायद मेरा जिसको मैं लाइक करता हूँ ये परफॉर्मेंस करिए अपनी टीम के लिए, नो डाउट यार इंडिया के बॉलर हो बैट्समैन हो, अभी देखा स्टार्ट में एक बड़ा दुख हुआ कि रोहित शर्मा पहले भी आउट हो गए, पहले सेशन में आउट हो गए और आगे रोहित शर्मा ने परफॉर्म कर दिया, उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश की नहीं हिट आउट हो गए, तो नो डाउट यार ये कल का अगर इंडिया पूरा दिन खेलता 400-500 स्कोर मैक्सिमम होगा, और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड को जो न्यूजीलैंड भाई विकेट अब सुंदर है उनके पास, वाशिंगटन सुंदर है कर लेगा इजिली कर लेगा और परफॉर्म भी करेगा, वो बता देगा बेशक 150 स्कोर भी आप करेंगे ना उनके पास यार, हमारे बैकबोन एक स्ट्रॉन्ग पड़ी हुई, हमारे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम कर ले यार, मुझे न्यूजीलैंड को आप भागने का प्रोग्राम भाई भाग जो भाई यहाँ से, अब उनको आपको बलात्कार भी करना है, वो कपड़े भी उतार दे, आपको बता दें कि आपने एक मैच तो ले लिया भाई, जो सीरीज जो है ना इंडिया